प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अधिवक्ता ने 10,000 रुपए की मांग की। किराए के मकान में रहने वाले गरीब परिवार ने कैसे भी करके 10,000 रुपए जुटाए। सोचा था अब खुद की कॉलोनी मिलने के बाद सुकून से रहेंगे, लेकिन रुपए देने के 2 महीने बाद तक महिला ने अधिवक्ता से जानकारी मांगी तो उसने काम न होने पर पैसा वापस देने की बात कही। जब मंगलवार देर शाम महिला के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो इलाज के लिए पैसे नहीं दे, इसके बाद वे अधिवक्ता को दिए गए 10,000 रुपए मांगने लगी। महिला ने आरोप लगाया। उस दौरान दोनों में तीखी नोकझोंक के बाद अधिवक्ता ने उसके साथ अभद्रता की, कपड़े तक फाड़े, जान से मारने की धमकियां भी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। देर शाम ही महिला बिदनू थाने पहुंची, न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस लौटाया। एक मनीष नाम का वहाँ पे रहता, उसने मुझसे 10,000 रुपए कॉलोनी फार्म भरने के लिए लिया था। 2 महीने हो गए उसे मुझे पैसा दिया हुआ, और इस समय मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। मैं 2-3 दिन से उससे पैसा मांग रही हूँ। वो पैसा कहता आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। आज मैं शाम को गई उससे पैसा लेने, तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, एकदम से मेरा पकड़ के ब्लाउज फाड़ दिया और मुझे कहने लगा तू किसी से बताएगी तो तुझे चाकू मार दूंगा, तू मर जाएगी। मुझे एकदम से जमीन में गिर गई, एकदम से बेहोश हो गई। मुझे पता है सब चमा की औरतें सब दौड़ दौड़ के आई, उन लोगों ने मुझे उठाया। इसके बाद अब बताइए मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अब आप क्या क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए, उसे जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए उसे। ये मैं नारी हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा बताइए, मेरे साथ ऐसा करेगा वो? पैसा का पैसा दिया मुझे ऐसा करेगा? मुझे न्याय चाहिए।